गाइस एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल प्यांग 1909। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मेरी वीडियो को खूब सारा प्यार दे रहे होंगे। फिर से आप सबका मेरे इस न्यू वीडियो में स्वागत है। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें केराटिन ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या केराटिन ट्रीटमेंट हमारे बालों के लिए सही है या फिर नुकसानदेह है। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। हम बहुत बार लोगों से सुनते हैं, यार तुम्हारे बाल कितने डैमेज हो गए हैं, कितने डल हो गए हैं, तुम्हें तो केराटिन ट्रीटमेंट लेना चाहिए। या फिर अगले ही पल में सुनोगे, यार केराटिन ट्रीटमेंट बिल्कुल मत लेना, मैंने लिया है, मुझे बहुत नुकसान हुआ, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ये सब हम सुनते रहते हैं। तो आज उसी का कन्फ्यूजन को मैं दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ, ताकि सारे लोग क्लियर हो जाएं कि हमें सच में लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। आइए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि केराटिन होता क्या है। केराटिन हमारे बालों में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है, जो हमें एक्सटर्नल अटैक से बचाता है और हमारे बालों को हेल्दी बनाने का काम करता है। जब केराटिन हमारे बालों में ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, तो फिर ये कम कैसे हो जाती है? तो इसका आंसर है सनलाइट, हार्मफुल रेज, केमिकल्स एंड खराब लाइफस्टाइल्स। ये सब के वजह से केराटिन कम हो जाती है और हमारे बालों को डैमेज, डल एंड ड्राई बना देती है। कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या हम केराटिन को अपने बॉडी पे इंक्रीज कर सकते हैं बाय नेचुरली। तो ये भी पॉसिबल है, अपने डाइट को थोड़ा बहुत चेंज करके हम केराटिन इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रोटीन से भरपूर चीज़ों का सेवन करना होगा। ये आपके बॉडी पे ज़रूर केराटिन इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ऐसे सब्जियों को खाना होगा जो नेचुरली जिसमें केराटिन पाया जाता है, जैसे कि केले, लहसुन, प्याज, ब्रोकली, फिश, एग और कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वॉलनट ले सकते हैं, आलमंड ले सकते हैं, बीन्स जैसे हाई प्रोटीन प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। और हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा जो बायोटीन एंड विटामिन सी से भरपूर होता है, उन चीज़ों को जरूर लेना चाहिए। ये बहुत जल्दी इंक्रीज करता है, जैसे ग्रेप्स, ऑरेंज। ये अब हमारी बात हुई कि केराटिन होता क्या है, इसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और केराटिन कम क्यों हो जाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है कि केराटिन ट्रीटमेंट किन्हें लेना चाहिए और किन्हें नहीं लेना चाहिए। तो मैं अपनी बात करूं तो मैं कितनी बार सोच चुकी थी कि मुझे केराटिन ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, बट जब मैं जाके वहाँ पे पूछती थी और जब कुछ मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, तो लास्टली मैंने डिसाइड किया कि मुझे नहीं लेना केराटिन ट्रीटमेंट, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बात करें कि किन्हें केराटिन ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगी जिनके बाल सच में बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, मतलब एक्सट्रीम लेवल, जिनका बहुत ज़्यादा टूट रहा है। जैसे टूटते तो बाल सबके हैं, थोड़े बहुत तो टूटते ही टूटते हैं, वो कंघी करेंगे उसके बाद तो जाएंगे ही थोड़े से बाल, लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड ड्राई डैमेज बहुत है, मतलब देखने से समझ में आ रहा है, जहाँ जा रहे हैं लोग आपके बालों के बारे में ही पूछ रहे हैं कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके हेयर में केराटिन की कमी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो आपको ले लेना चाहिए। मतलब अगर आप जरा सा कंघी करो और उसी में ढेर सारे बाल निकल के आ रहे हो, तो हमें ले लेना चाहिए, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप मन बना ली हैं लेने का तो आप ले लो, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको ज़रूर पता होने चाहिए कि इनके करने के बाद हमें क्या नहीं करना है। और साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं बात करेंगे, बस कुछ हैबिट्स को हमें चेंज करनी होगी केराटिन ट्रीटमेंट लेने के बाद। अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है केराटिन ट्रीटमेंट लेने से पहले, कि प्लीज़ कोई भी सैलून में ऐसी जगह पे ना जाए जहाँ पे ऑफर चल रहा हो केराटिन का, और आप वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। आप प्रॉपर उनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले लें कि कौन सा ट्रीटमेंट हमारे बालों में, कौन सा केराटिन ट्रीटमेंट हमारे बालों में सही रहेगा और हमारी क्या लेंथ है, इस तरह से हमें वो सूट करेगा। ऐसे आप पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल लें, उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट लेने की सोचें, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि यार बाल हैं, बाल भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे फुल बॉडी के लिए। तो आप ज़रूर इसके बारे में ध्यान रखें। एंड सेकंड थिंग, कि आपको उसके बाद क्या क्या चेंजिंग लाने होंगे, तो वो तो आपको बता ही देंगे, अगर नहीं बताएं तो ये थोड़ा बहुत तो आपको करना ही होगा कि जैसे आपको केराटिन ट्रीटमेंट के बाद एटलीस्ट वन मंथ तक तो आपको आपके सारे बाल ऐसे नीचे करके अगर शैम्पू करने की आदत है तो वैसे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, उससे केराटिन के निकलने की चांसेस हो जाती है। सेकेंड, आप ऑयलिंग नहीं कर सकते कुछ दिन तक, ऑयलिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है, उससे भी कम होने के चांसेस रहते हैं। एंड थर्ड, आप बहुत टाइट अपने बालों को नहीं बांध सकते हैं, बिल्कुल लूज ही रखना होगा, या फिर खुले रखने की आदत है तो फिर आप खुले रख सकते हो। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। फोर्थ, पॉकेट फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ट्रीटमेंट का ही मुझे लगता है 6 या 7
1000 तक तो हो ही जाता है, एंड उसके बाद वो जो प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं कि आपको शैम्पू करना है, आपको कंडीशनर ये यूज़ करना है, तो उनके भी दाम करीब 2-3 हज़ार तक तो पहुंच ही जाता है। तो अप्रॉक्स हम लेके चल सकते हैं कि 10,000 तक में हमारा ट्रीटमेंट आएगा जो प्रॉपर रहता है सही से। वो ऑफर वाले को तो मैं बात ही नहीं कर सकती, मुझे उनके बारे में कुछ आइडिया है नहीं, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि 10,000 तक तो ट्रीटमेंट का लग ही जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ऐसा नहीं होता है कि आपको परमानेंट सोल्यूशन मिल गया है, इस चीज़ का तो हमें पता ही होना चाहिए, क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, फैमिली में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने लिया था ट्रीटमेंट, तो उनसे भी मुझे कुछ आइडिया, मैं नहीं ली हूँ लेकिन मैं देख के लगा सकती हूँ आइडिया कि कितना केराटिन ट्रीटमेंट काम किया उन लोगों के लिए। तो मुझे तो ऐसा देखने को मिला कि 1 मंथ तक उनके बाल बहुत अच्छे रहे थे, बहुत शाइनी स्मूथ सिल्की तो हो ही जाते हैं, बाल देखने से भी बहुत खूबसूरत हो जाता है। लेकिन मतलब 1.5 मंथ कंप्लीट होते ही मुझे वो प्रॉब्लम दोबारा सुनने को मिलने लगी कि यार फिर से बाल टूट रहे हैं। एंड धीरे तो केराटिन ट्रीटमेंट ही तो है, कुछ टाइम के बाद तो वो केराटिन निकलेगा ही, 1 मंथ नहीं, 1.5 मंथ में नहीं, लेकिन आफ्टर 2-3 मंथ तो वो नॉर्मल हो जाता है फिर से बाल। तो जिन्हें आदत पड़ जाती है स्मूथ सिल्की हेयर की तो वो फिर से केराटिन लेते हैं, और जिन्हें आदत नहीं पड़ी होती है लगता है यार ट्राई ही था तो फिर अब रहने दो, तो ऐसा में चल जाता है। तो एज अ समरी अब हम बोले कि जिन्हें केराटिन ट्रीटमेंट लेना है तो वो ये ध्यान करके रखें कि 2-3 मंथ तक आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, शाइनी रहेंगे, सिल्की रहेंगे, और इसके कोई अदर साइड इफेक्ट नहीं है आपके बॉडी पे। तरह तरह के लोग आजकल र्यूमर्स फैला रहे हैं कि कैंसर हो जाता है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बस साइड इफेक्ट्स तो हम बात ही नहीं करेंगे, हमारे हैबिट्स को ये बस चेंज करना पड़ता है थोड़ा, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो इसके अलावा इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और आप ट्रीटमेंट लो, अच्छा है, स्मूथ होगा आपका बाल, थोड़ा प्रोटीन मिल जाएगा, बट इतना ध्यान रखना है कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो बस, तो अब हम उनके बारे में बात करेंगे जो थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं उनसे बात करूँगी कि अगर आप कन्फ्यूज़ हैं तो थोड़ा सा टाइम दे अपने बालों को, क्या करना है उसके लिए आपको। मैं तो हमेशा से बोलती हूँ कि हमारे घरों में किचन में कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स छुपे हुए हैं जो हमारे बालों के लिए हेल्दी हैं एंड नेचुरली बहुत बहुत अच्छा है, जो बाहर के जो केमिकल चीज़ हैं उन पर। मैं होममेड चीज़ों के इस्तेमाल ज़्यादा इसलिए करने बोलती हूँ कि भले ही वो आपको सूट ना करे लेकिन कभी भी आपको वो नुकसान नहीं करेगा इसलिए, और ज़्यादातर चांसेस तो रहते ही हैं कि वो सूट कर ही जाती है, भले थोड़ा सा वक्त लेता है लेकिन ऐसा तो है ना कम से कम कि वो हमें तरह तरह के केमिकल से बचाता है, जो हमारे घर की जो चीज़ें हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, जैसे हमें प्याज का रस लगाना है तो उसमें तो कोई केमिकल नहीं है, वो हमारे बालों को नेचुरली ग्रो करने में ही हेल्प करता है। एलोवेरा यूज़ करते हैं तो एलोवेरा हमारे बाल में शाइन लाता है, बालों को नरिश करता है। तो हम बात कर रहे हैं उनके बारे में जो अभी थोड़ा कन्फ्यूज़ हैं। तो उनके लिए एक चीज़ है कि अभी अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो या फिर थोड़ा सा अभी टाइम लेना चाहते हो, तो अभी आप सिर्फ अपने डाइट में चेंजिंग लाओ, जो चीज़ें केराटिन को बढ़ाती हैं उन्हें आप अभी यूज़ खाओ ताकि वो बाय नेचुरली आपके बालों में इंक्रीज़ हो। एंड उसके अलावा आप प्रोडक्ट्स यूज़ करो जैसे जो केराटिन को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा, जो प्रोडक्ट्स, कोई ऐसा शैम्पू और कंडीशनर ढूंढो जिसमें केराटिन लेवल इंक्रीज़ करने में हेल्प करता हो, जिसमें विटामिन बी सी आयरन जिंक एंड कॉपर बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो। तो ऐसी प्रोडक्ट्स हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, ऐसा पूरा हेल्दी बनाता है। तो प्लीज़ आप वो सब चीज़ों को ढूंढो और थोड़ा सा भी वक्त लो, उसके बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं हमें ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, ये कहीं ना कहीं हमारे बालों के लिए ज़रूरी है, तो फिर आप ले लो, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। साइड इफ़ेक्ट तो बात ही नहीं कर सकते हैं हम उसका। कुछ चीज़ों का हमें और ध्यान रखना है, अगर आपने केराटिन ट्रीटमेंट ले लिया है तब भी, और आप अगर केराटिन ट्रीटमेंट नहीं लिए हो तब भी, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अपने बालों को ब्लीच ना करें, इसमें भी बहुत तरह के केमिकल होते हैं जो हमारे बालों पे जाते हैं, वो भी नुकसान करते हैं और केराटिन को कम कर देता है ये। अपने बालों को आयरन से स्ट्रेट बिल्कुल ना करें, ये भी केराटिन को कम करने में बहुत बड़ा हाथ है इसका भी। एंड थर्ड, धूप से ज़रूर बचाएं क्योंकि उसमें बहुत ही हार्मफुल रेज भी होते हैं जो हमारे बाल से उसके शाइन भी अलग कर देती है, एंड और
इसमें भी केराटिन कम होता है। एंड फोर्थ, अगर आप स्विमिंग करती है तो स्विमिंग करने के बाद अपने बालों को अच्छे तरीके से धोएं, क्योंकि जो स्विमिंग पूल में जो केमिकल रहती है उसके बारे में तो हमें पता ही है कि वो कितना नुकसान होता है हमारे आँखों के लिए भी। अगर उस आँख में पानी चला जाए तो उससे भी नुकसान होता है, आँख में इन्फेक्शन होने का डर होता है, एंड हमारे बाल में भी वो केमिकल जाता है तो उससे भी केराटिन कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन था जो टोटली मेरे व्यू से देखा गया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। सबके बाल अलग होते हैं, सबके टेक्सचर अलग हैं और सबके फैशन भी अलग हैं, तो उसके बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो ये मेरे पर्सनल व्यू थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, एंड पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।